कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है, नोटिस दिया है, उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे, लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लाइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है एम्प्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, तो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिर कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेवारी कर्मचारियों की।